हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई बहुत ही कमाल के जुगाड़ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह की बॉटल ले ली है। तो हम सफ़र वगैरह में जाते हैं तो पानी की बॉटल लेते हैं ना, तो वही पानी की खाली बॉटल मैंने यहाँ पे ले ली है। तो इसे ना नीचे से थोड़ा काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पहले चाकू से इसे कट कर लेना जिससे काटने में आसानी हो। तो चाकू से पहले थोड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा इसे कट कर लेना। कट करने के बाद फिर कैंची ले लें और कैंची से इसे अच्छे से काट लें। तो आप देख सकते हैं इतना ना इसे काट लेना है। और बॉटल को ऊपर से भी इतना काट लेंगे। तो पहले चाकू से थोड़ा कट कर लें, फिर कैंची से ना इसे अच्छे से इस तरह से काट लें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो इस तरह काट के फिर ना इसे इसके अंदर इस तरह से फंसा लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से फंस जाता है इसमें। इस तरह अच्छे से इसे फंसा लेना है। फिर बाद में आप इस पर सेलोटेप या फेविक्यूब जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे फेविक्यूब ले लिया। फेविक्यूब को ना इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से फेविक्यूब को इसके ऊपर लगा लेना है जिससे अच्छे से जॉइंट हो जाए। फेविक्यूब लगाने के बाद इसे थोड़ा सूखने देंगे। सूखने के बाद आप इसके अंदर दाल मसाले वगैरह जो भी बना चाहे भर सकते हैं। तो हम उपमा वगैरह बनाते हैं तो उसमें दाल का तड़का देते हैं ना, तो वाली दाल इसके अंदर भर सकते हैं, मसाले वगैरह भर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सूखने देंगे। सूखने के बाद इसके अंदर मैं जीरा भर रही हूँ। तो आप इस तरह से इसके अंदर जीरा भर सकते हैं, दाल मसाले वगैरह जो भी बना चाहे भर सकते हैं। तो इसके अंदर ना मसाले दाल वगैरह जीरा वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी इसके अंदर नमी नहीं आएगी। तो इस तरह से इसके ऊपर इसके अंदर भर के इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे और जब भी हमें इसे लेना होगा इस तरह से ढक्कन खोल के बहुत ही आसानी से हम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही बॉटल से बहुत ही अच्छा किचन ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो बना के रखे हुए, एक में दाल भरी है, एक में जीरा। तो इस तरह से आप और भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आई होप ये जुगाड़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगली टिप है इस तरह के ढक्कन को लेके। हम लोग होटल से सब्जी वगैरह लाते हैं तो जिस डब्बे में सब्जी आती है ना उसके ऊपर इस तरह से ढक्कन आता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आप इसे फेंक के ना आप इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के ऊपर जो ढक्कन आता है ना वो ढक्कन ले लिया। तो इसके ऊपर ना इस तरह से फेविक्यूब लगा लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर फेविक्यूब लगा लेना है। फेविक्यूब लगाने के बाद इसे ना इस तरह से इसके ऊपर चिपका लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। इसे थोड़ा सूखने देंगे। तो ये सूखने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया है। तो इस तरह से ना आप इसका ना बहुत ही अच्छा ढक्कन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी ग्लास में दूध ले लेते तो फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं, इसके ऊपर ढक्कन नहीं देते। तो ऐसे दूध को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो आप इस तरह से ढक्कन बना के फिर इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो हम लोग कोई भी प्लेट का ढक्कन देते हैं तो प्लेट बड़ी रहती है तो फ्रिज में जगह भी ज़्यादा लेता है। तो इस तरह से आप ढक्कन बना के रखेंगे ना तो ये जगह भी कम लेगा। तो आई होप ये जुगाड़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगली टिप है इस तरह के डब्बों को लेके। तो इस तरह के मसाले के जो डब्बे रहते हैं ना उसके अंदर हम अलग से छोटी छोटी चम्मच रखते हैं तो जिससे ना मसाले निकालने में आसानी रहे और अलग से हमें दूसरी चम्मच ना लेनी पड़े। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, चम्मच थोड़ी बहुत गीली रहती है तो मसालों के डब्बे में डालते हैं तो मसाले भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर छोटी चम्मच रखते हैं। जब डब्बे मसाला भरा हुआ रहता है ना तो चम्मच हम इसके अंदर डालते हैं तो पूरा चम्मच अंदर तक जाता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच को अंदर डालते हैं तो चम्मच अंदर तक पूरा जाता नहीं है और ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो ढक्कन भी अच्छे से इसके ऊपर फिर नहीं आता है। तो आप क्या करें, चम्मच को बाहर ले लें और एक रबर बैंड ले लें। तो रबर बैंड इस तरह से ले लेना है और रबर बैंड को ना डब्बे के ऊपर इस तरह से लगा लें। तो इस तरह से रबर बैंड को इसके ऊपर लगा लेना है और फिर आप इसके ऊपर ढक्कन लगा लें। ढक्कन लगाने के बाद चम्मच को ना रबर बैंड के अंदर इस तरह से लगा लें। तो इस तरह से आप चम्मच को इसके साथ में रख सकते हैं और जब मसाला थोड़ा खाली हो जाए तो चम्मच को आप इसके अंदर रख दें। तो इस तरह से आपको अलग से चम्मच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मसाले ख़राब भी नहीं होंगे। तो आई होप टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स में से कौन सी टिप्स आपका ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स।